नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल की भर्ती पर काफी विवाद चल रहा है। यह देखने में आ रहा है कि आखिरकार बच्चों को कॉमन अंक दिए जाएंगे। तो मित्रों, यह तो बात का प्रश्न हुआ कि कॉमन अंक 2 मिलेंगे या फिर 3 मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम आप बात करने वाले हैं कि किस स्टूडेंट को, कौन से कैंडिडेट को उस कॉमन अंक से कितना फायदा होने वाला है, यानी कि किसको कॉमन अंक मिलेंगे और किसको कॉमन अंक नहीं मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है मित्रों, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार किसको मिलेंगे कॉमन मार्क्स, वहीं पर किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको नुकसान हो सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये सोचकर परेशान है कि जो प्रश्न पर केस हो रहा है, जिन पर कॉमन अंक मिलने वाले हैं, उन प्रश्नों को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्या मुझको कितना फायदा होगा। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचकर परेशान है कि मैंने वह अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आंसर शीट में वह गलत है, तो मुझको कितना फायदा होने वाला है। वहीं पर मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, बहुत से स्टूडेंट यह सोचकर परेशान है कि मैंने वह तीनों प्रश्न अटेम्प्ट किए और मेरे तीनों सही है, तो मुझको कितना फायदा होने वाला है। इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं हम आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो पर। वीडियो को पूरा देखना है मित्रों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे भी यूपी लेखपाल एवं विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हाईकोर्ट में 7 प्रश्नों पर आपका विवाद गया था, दम केवल 4 प्रश्नों पर था और कॉमन अंक आपको 2 से 3 नंबर पर मिलेंगे। यानी कि मित्रों, जो आपको कॉमन मार्क्स मिलेंगे वो आपके 2 से 3 प्रश्नों पर मिलेंगे। अब सपोज करिएगा, आपने 70 नंबर का अटेम्प्ट किया, आपने 70 नंबर बैठ रहे हैं आपके, आप नेगेटिव मार्किंग काट के आपके 70 मार्क्स बैठ रहे हैं आपकी आंसर शीट में। तो मुझे एक बात बताइए, 3 स्टूडेंट है 70-70 जिनके मार्क्स बैठ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काट के, तो मित्रों यहां पर आप देखना, मान लीजिए सबको 3 कॉमन अंक मिले, यह तो वह स्टूडेंट हो गया कि मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरे तीनों आंसर शीट में सही है, तो मुझको कितना फायदा होगा। तो मित्रों, इसके तो तीनों सही है तो इसको 3 अंक मिल जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे 73। अब यह वह स्टूडेंट है मित्रों कि मैंने तीनों प्रश्नों को छुआ तक नहीं, तो मुझको कितना फायदा होगा, तो इसके 70 मार्क्स और इसको भी कॉमन अंक मिलेंगे। तो मित्रों, इसको तो नहीं, इसके तो पहले तीनों सही थे तो इसके 70 के 70 रह जाएंगे, क्योंकि इसके तो सही थे ना, तो 70 के 70 रह गए, इसको 3 अंक जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसने उन प्रश्नों को छुआ तक नहीं था, तो इसको कॉमन अंक 3 में मिल जाएंगे, तो इसके हो गए 73 नंबर। वहीं पर दोस्तों, यह वह स्टूडेंट है कि मैंने इन प्रश्नों को किया था और वह प्रश्न मेरे आंसर शीट में गलत है, तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर उन 3 अंकों के इसको कॉमन अंक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब इसने पहले मिलान किया था तो इसने नेगेटिव मार्किंग को और काट लिया था, इसलिए इसको 0.75 का फायदा और होगा, इसलिए इसके 73.75 नंबर हो जाएंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हो ना मित्रों कि इसको तो 70 के 70 ही रह गए, इसके 3 नंबर बढ़ गए, और जबकि सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ कि मैंने अटेम्प्ट किया था और मेरे पहली आंसर की में गलत आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इसको फायदा हुआ। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आखिरकार किस तरह के स्टूडेंट को किस कैटेगरी में कितना फायदा हो रहा है। कॉमन अंक का सीधा फंडा आपको समझ में आ गया होगा मित्रों, और मित्रों किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान, तो मैं आपको बता देता हूं, जो करके आया था और तीनों सही है उसको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमन मार्क्स का तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला मित्रों, लेकिन मैंने सॉल्व किए थे और मेरे गलत हो गए, उसको तो भारी फायदा होगा मित्रों। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा मित्रों कि आपके कितने मार्क्स हैं, आप इन कैटेगरियों में से किस कैटेगरी में आते हो और आपको कितना फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट इनको सही करके आया उसके 2 ही मार्क्स रहने वाले हैं, वहीं पर जो स्टूडेंट उनको करके ही नहीं आया उसके 3-3 नंबर बढ़ने वाले हैं मित्रों, और जो स्टूडेंट उनको करके आया और गलत करके आया उनके तो 4.5 नंबर बढ़ने वाले हैं मित्रों। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और मित्रों मैं आपको बता देता हूं,
4 जनवरी की कोर्ट केस में अगली सुनवाई है और बहुत जल्द वह आपका कोर्ट से यह केस सोल्व होने वाला है और बहुत जल्द आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, बस कोर्ट से फ्री होते ही आपका लगभग जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है मित्रों, जो भी अपडेट था यूपी लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड आपको पता चल गया है। आगे भी यूपी लेखपाल एवं अन्य भर्तियों से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले लेकर आएगा मित्रों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।